कितनी देर लगेगी अभी? अभी आधा घंटा लग जाएगा आराम से। अच्छा, सूट वैसे सही बना लिया तुमने सस्ते में। ऐसा करते हैं, इधर शॉर्टकट से चलते हैं, इधर से थोड़ा पास है, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है। गुरु, लगता है आज तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। हाँ गुरु यार, सही कह रहा है, आज तो सुबह से कोई इधर गाड़ी नहीं गुजरी कोई। तो फिर हम दादाजी के यहाँ जा रहे हैं। हाँ, दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो मरने से पहले हमें एक बार देखना चाहते हैं। लेकिन दादाजी हमारी शादी पर क्यों नहीं आए? एक्चुअली दादाजी 15 सालों से बेड रेस्ट में हैं। ओह सॉरी, क्या हुआ था उन्हें? फौज में थे ना वो कर्नल, तो आतंकवादियों का हमला होने की वजह से उनके दोनों पैरों पे गोलियां लग गई थी। ओह गॉड। फिर इन्फेक्शन की वजह से उनकी दोनों टांगें काटनी पड़ी थी, और अब उनकी देखरेख नौकरी करता है। गुरु गुरु, लगता है कार के हॉर्न की आवाज आ रही है, तुम्हें भी आ रही है? मेरे कान बज रहे हैं। लगता है बेटा तुझे दारू ज्यादा चढ़ गई है, इसीलिए तेरे कान बज रहे हैं। देखो उरी कार, उरी। चलो रे, देखो अजय। हाँ गुरु। लगा दे कील और लग जा अपने काम पे। और सुन। हाँ गुरु। कील लगा के पोजीशन ले लेना दोनों। ठीक है गुरु। डाल दे बे, यहाँ डाल दे। चल अपनी पोजीशन ले लेते हैं। चल आजा। अरे विहान, शॉर्टकट भूल के तुम कैसे रास्ते से ले आए? डोंट वरी, थोड़ा सही है, अभी हम हाईवे पे पहुंच जाएंगे। पता नहीं। क्या हुआ? लगता टायर पंचर हो गया, मैं देखता हूँ अभी। हम बैठो। ओह गॉड। अभी बदल दे, तुम बैठो, ये बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओए चल बे, चल दिया, कर दिया शिकार। बोलो तुम लोग। क्या चाहते हो तुम लोग? अबो, कनपट्टी पे तेरे पिस्टल लगे और उसके बाद भी पूछ रहे हैं क्या चाहते हो? जाहिर सी बात है, तेरे रिश्तेदार तो नहीं होंगे। विहान, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? ए, छोड़ो मुझे। बताते हैं मेरी जान भाई साहब। विहान, विहान, क्या चाहते हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, अंजाम अच्छा नहीं होगा इसका। भैया बात तो सुनो यार। भी लेके आ। तू भी चल। लेकिन भाई साहब, हमने किया क्या है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। कहाँ पे लेके जा रहे हो? चल बे। छोड़ दो। चल। ए, इतना मत उछल मेरी बुलबुल, वरना इस पिस्टल की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा और तुम दोनों को यहीं गाड़ दूंगा। ओए, बांध इसके हाथ। ले बे, बांध इसे, बहुत फूटक रही है। ओए, लोग सही नहीं कर रहे। चुप कर बे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रुक जा, बहुत पछताओगे तुम लोग। चुप कर। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, अब देख तेरी गर्मी मैं निकालूंगा। चल। अबे चल। अरे भाई, वो जो FIR दर्ज हुई थी उसमें क्या हुआ? तबीश वगैरह हुई या नहीं हुई? सर, हम वहाँ छानबीन के लिए गए थे, लेकिन अरे कुछ करो यार उसमें। जी सर। बताए, ऊपर से बहुत प्रेशर है। रुको।
इस सुनसान जगह गाड़ी कैसे खड़ी है? बढ़ाना, देखो जरा। अरे यहाँ तो डिग्गी खुली हुई है, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। लगता है यहाँ पे तो कोई बड़ी वारदात हुई है। साहब को बताता हूँ। सर, गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, ये मिला है सर। लगता है किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। यस सर। आओ देखते हैं। एक्सीडेंट तो लग नहीं रहा। बड़ा ना, लगता है किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। आओ चलो तलाश करते हैं। जी सर। चारों तरफ देखते हुए चलना, हो सकता है कोई सबूत मिल जाए। जी सर। से छोड़। अबे चले। मैं फिर से कह रहा हूं, सही नहीं कर रहे तुम लोग। ओए बांधो से, बांधो। अबे बांधो साले, क्या कर रहे हो? तुमसे एक बंदा नहीं बन रहा। क्यों फड़फड़ा रहा ज्यादा? इतना काफी है या और कुछ चाहता है? बहुत पछताओगे तुम लोग, सही नहीं कर रहे तुम लोग। बांधो से। चाओ, कोई है? कोई है यहाँ? ओए, मैं फिर से कह रहा हूँ, छोड़ दो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। कोई है? कोई है? बचाओ, बचाओ, कोई है? अबे इसका मुंह बंद कर, अब बंद कर मुंह। बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ, चिल्लाओ। छोड़ दो मेरे विहान को, मत मारो, आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा। एक काम करो, तुम इसकी तलाशी लो, और सुन, जो भी मिले ना ऐश करो तुम लोग। जल्दी आओ। कुत्ते हो तुम सब, आखिर कोई है? बचाओ, बचाओ, बचाओ। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब हम करेंगे जो भी करना है। कुछ भी कहो बेबी, शराब से ज्यादा नशा तो तेरे अंदर है। बचाओ, बचाओ। ये आवाज कहां से आई है? साहब लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, लेकिन किधर है? इतने बड़े जंगल में कहां तलाश करें? साहब बदमाशों की संख्या कुछ ज्यादा है। साहब आवाज इधर से आ रही है, इसका मतलब ये लोग इधर ही गए हैं। आओ। चिल्ला मत बेबी, जिंदगी में पहली बार तो इस महावीर का दिल किसी चीज़ में गया है और तू चिल्ला रही है। या महावीर ने पहली बार तेरी जैसी लड़की देखी है,
अबे इतना नशा तो शराब में नहीं है जितना तेरे अंदर है। छोड़ दो मुझे, जा तू भी ले ले मजे। हमसे बचकर कहां जाएगी मेरी जान? तेरा भी नंबर आएगा। चले जा पगड़ी से। अबे गोली किसने चलाई? विहान, अबे कौन है? भागने की कोशिश मत करना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। आओ इंस्पेक्टर आओ, लगता नए आए हो तुम। नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। इंस्पेक्टर साहब छोड़ नहीं इन दरिंदों को। शांत इंस्पेक्टर साहब शांत, तुम हमें जाने दो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अपने आकाओं से कहकर तेरी तरक्की करा दूंगा। जाने दो इसे। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो भी उसे जाने देते क्या? इंस्पेक्टर साहब ये गलत है। देखा बे, तेरी पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी हमारा। तेरे सामने जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब मत छोड़ इन दरिंदों को। काफी समझदार लगते हो इंस्पेक्टर। सुनो, अपना इनाम तो लेते जाओ। इनाम? कौन सा इनाम? साहब जी, ये तो अपनी पहुंच बहुत ऊपर तक बता रहे थे, आपने तो इन्हें सचमुच ही ऊपर पहुंचा दिया। नादान थे बेचारे, जानते नहीं थे कि ये उत्तर प्रदेश है, अपराधियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, अपराधियों की जगह यही है। ये ठीक जगह पहुंचे हैं अपनी, भूल गए थे ये लोग यहाँ गुंडा राज नहीं बाबा राज है। हवलदार खोलो इन लोगों को। साहब जी, अगर हर पुलिस वाला आपकी तरह हो जाए तो इस देश में अपराध कभी ना हो। और रेप तो दूर की बात, कोई किसी की मां बहन पर नजर उठा के भी ना देख पाए। ऐसे इंस्पेक्टर को हमारा सैल्यूट है।